ऑल राइट गाइस, आज हमारे पास हैं दो सांप, भारत के मुख्य रूप से पाए जाने वाले दो सांप, जिसमें से एक है सबसे ज़्यादा जहरीले सांपों में से एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, और एक अभी आपको दिखाते हैं वे कौन सा सांप है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमें। तो गाइस, यह है इंडियन रेड स्नेक। जैसा कि आपने देखा, ये बहुत ही तेज़ी और फुर्ती से भागा। तो ये इसका नाम है घुड़पछार, और इसको नाम ये इसी तेज दौड़ने के कारण ही मिला है। इसकी आमतौर पे पहचान यही होती है कि ये थोड़ा पीले और भूरे रंग का होता है, और इसकी आंखें जो होती, इसके चेहरे की तरफ देखिए, इसकी आँखें जो होती हैं वो बड़ी होती हैं। इसका इसका मुँह छोटा और इसका मुंह छोटा और आंखें बड़ी, और बाकी का शरीर मुंह के अपेक्षा में मोटा होता है और लंबा होता है। ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं, लगभग 8-9 फीट के औसतन ये बड़े हो जाते हैं। ये चूहों वगैरह को खाते हैं और हमारे खेतों में से चूहों को हटाते हैं, जिससे कि हमारी फसलें सुरक्षित रहती हैं, इसीलिए इनको किसान मित्र भी कहते हैं। बारी है हमारे दूसरे सांप की, जो कि बहुत ही खतरनाक है और अधिकतर मौतों का जिम्मेदार भी यही सांप होता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं ये सांप कैसा है। फिलहाल इसकी फुफकार सुनिए और देखिए इसको। सो गाइस, ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा भारत के सबसे ज्यादा जहरीले सांपों में से एक, बिग फोर वेनमस स्नेक के सूची में इसका नाम आता है, क्योंकि अधिकांश मौतों का कारण यही सांप माना जाता है। इसके पीछे बने हुड मार्क से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इसको इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा कहते हैं, और ये जो स्पेक्टिकल मार्क है, इसके कारण ही इसको ये नाम मिला है। ये जब भी घबरा जाते हैं या फिर गुस्सा में आते हैं, तो ये इसी प्रकार से फन फैलाते हैं और आपको चेतावनी देते हैं कि हमसे दूर रहे, अन्यथा हम आपको काट लेंगे, जिससे कि आपकी मौत हो सकती है। अगर इस प्रकार के सांपों से आपको कभी भी बाइट होती है, तो जाके एंटी वेनम ले इलाज कराए, ना कि किसी झाड़ फूक चक्कर बाबा के चक्कर में पड़े, अन्यथा आपकी जान चली जाएगी। इसके जिम्मेदार कोई नहीं होगा, स्वयं आप होंगे। गाइस, इसके पीछे हुड के पीछे बने हुए इस मार्क का, मैं ये जो मार्क आपको दिख रहा है, इसका रीजन बताता हूँ। ये जो मार्क होता है, इनको शिकारियों से बचाए हुए रखता है, क्योंकि जब भी शिकारी इनके पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, तो उनको लगता है कि ये सांपों की आंखें हैं जो कि उन्हें ही घूर रही है। इससे शिकारी इन पर हमला नहीं करते हैं और इस प्रकार से अपनी रक्षा करते रहते हैं। ये बेहतरीन से सांप हमारे खेतों में, आसपास के घरों में आके छुप जाते हैं। ज़्यादातर इनकी बाइट जो होती हैं 70% वो दिन में ही होती हैं, क्योंकि हमारे घर के आसपास या फिर किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे आसानी से मिल जाते हैं चूहों की तलाश में, या फिर छुपने के लिए जगह ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे में आप हमेशा सतर्क रहें, सजग रहें, और जब भी आप किसी भी चीज़ को उठाएं, हटाएं, या फिर हाथ रखें या पैर डालें कहीं भी, तो वहाँ सुनिश्चित कर लें कि वहाँ किसी भी प्रकार का कोई सांप या जीव नहीं है जो कि आपके जीवन के लिए खतरा हो सकता है।